हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिडजेट अकेडमी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं 50 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, वहाँ सब पर इसे शेयर करें, जिससे सभी को फ़ायदा हो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 50 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आपका एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद करेंगे, इसीलिए आप इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब बात आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इट वाज फाउंडेड इन 1885 बाय एओ ह्यूम। किसने इसकी स्थापना की थी, किसने से फाउंड किया था? एओ ह्यूम ने, मुंबई में। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, फाउंड हुई थी कांग्रेस, वो हुई थी 1885 में एओ ह्यूम द्वारा मुंबई में। और इसके जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इसके पहले पहले प्रेसिडेंट जो थे इंडियन थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसकी पहली जो महिला थी, वुमेन थी जो इसमें प्रेसिडेंट थी, वो थी एनी बेसेंट। तो आपको ये याद रखना है। अगला, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया वॉज फाउंडेड इन विच सिटी? तो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी किस सिटी में फाउंडिंग हुई? कैलकाटा में। क्या हुई? कैलकाटा में। पहली इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय कैलकाटा में फाउंड हुआ था। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? तो कौन सी वाटर बॉडी अंडमान और निकोबार को अलग करती है? वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर। आप याद रखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लिवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन वो है स्किन। ऑर्गन क्या है? स्किन। और ग्लैंड क्या है? लिवर। हु रोट द इंडियन स्ट्रगल बुक? इंडियन स्ट्रगल बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडियन स्ट्रगल जो लिखी गई है वो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बुक इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आप, मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन, उनको भी आप नोट करते चलिए। अगला है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है? वो है वीनस। सबसे हॉट प्लैनेट इसलिए है ये क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सन के सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। वो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? तो वो करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। विच गैस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो वो की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो फाउंडेड की गई है वो की गई है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जिस की गई है वो की गई है मदन मोहन मालवीय। और एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा फाउंड की गई है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो फाउंड की गई है वो की गई कुमार गुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा, जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। अगला है, गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो गिर नेशनल पार्क जो है वो है गुजरात में। हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले किसको भारत रत्न मिला? वो मिला डॉक्टर जाकिर हुसैन। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट विच सर्व्स एज द माउंट ऑफ लॉर्ड इंद्र? What is the name of the elephant which serves as the mount of Lord? Airavat. Airavat. Which latitude passes through the middle of India? तो कौन सा latitude है जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है? Tropic of Cancer, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो इस तरीके से आप उसकी ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर, मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से।
आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट विच सर्व एज द माउंट फैदोमीटर इज द यूज टू मेजर। फैदोमीटर का यूज किसके लिए किया था? फैदोमीटर का यूज किया जाता है ओशन की डेप्थ को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर कॉल्ड टाइप ऑफ कीज, मॉडिफायर की के नाम से जानी जाती है। वह नॉर्थन एंड ईस्टर्न। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को कंपोज किया है। विश्वामित्र ने वन हु वन पीपल वन नेशन वन लीडर वाज अ पॉलिटिकल स्लोगन ऑफ वन पीपल वन नेशन वन लीडर वाज पॉलिटिकल स्लोगन हिटलर का स्लोगन था। आगे देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? NS 44, 3745 किलोमीटर। इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड? आर्यभट्ट सैटेलाइट जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, वो किस सन में लॉन्च की गई? तो वो की गई 1975 में, 1975। नेम द गवर्नर जनरल हु एब्लॉश्ड सती प्रथा इन 1829, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में किसने सती प्रथा का अंत किया? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? तो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर थे लास्ट, बहादुर शाह जफर। हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? तो पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं नॉर्मन बोरलो। नॉर्मन बोरलो। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेज दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस आर ओपन ऑल सिटीजन? तो वह आर्टिकल 15। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ? सॉल्ट लॉ को तोड़ते ही कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हु रिटन द बुक द मैन हु किल्ड गांधी? मनोहर मल गोनकर। विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? कौन सा पोर्ट अरेबियन सी के नाम से जाना था? कोची पोर्ट। इंडिया फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान फर्स्ट वार लॉन्च ऑन विच डेट? 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज अ रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम लोकेटेड रफली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर? आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी, जो बनाई गई थी, वो सिंगापुर में बनाई गई थी। हु वाज द फर्स्ट मेजर टू सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ? अर्थ को किसने मापा? एराटोस्थीनिस। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ संत क्लॉज? सेंट निकोलस। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरु अंगद। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट को जो इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था गुरु सिख गुरुज गुरु अंगद ने। हिटलर पार्टी विच केम इन टू पावर इन 1933 इज नोन एज नाजी पार्टी। हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। हु वाज नोन एज अकबर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? अकबर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इंडिया अकबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन जाना जाता था? तो वो थे रिचर्ड वाल्सली। फर्स्ट चाइना वॉर वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? चाइना एंड ब्रिटेन। द कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? साउथ अफ्रीका। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। हु आर द गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट होती हैं, उनका जो गार्जियन है, जो उनकी जो रक्षा करता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ एंड हाई कोर्ट। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयरन? एनीमिया। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? SLV-3। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन होता है लिवर में। द इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी? तो इंडियन के करेंसी नोट जो छपते हैं, वो नासिक शहर में छपते हैं। विच चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65? और जो सुप्रीम कोर्ट के तो 65 और हाई कोर्ट का 62। विच ग्लास इज यूज इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन? रेनफोर्स्ड ग्लास। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में जो यूज की जाती है, वो रेनफोर्स्ड ग्लास किया जाता है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय. हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद. रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज किंग किंग गुड प्रोटेस्ट बिच ऑफ वन ऑफ द फॉरेन. जलियांवाला बाग. ये थे 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. इन्हें शेयर करें और लाइक करें. हमारा वीडियो पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू. धन्यवाद.